हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इंट्रो कैसे बनाया जाता है और इंट्रो कैसे लगाया जाता है। भाई, मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो सर्च किया इंट्रो के बारे में। उसमें ये बताया कि आपको प्ले स्टोर पर जाइए, मतलब प्ले स्टोर पर जाने के बाद इंट्रो मेकर डाउनलोड कर लीजिए या किसी साइट पर चले जाइए। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। सिंपली आपको यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब खोलने के बाद वहाँ पर लिखना टॉप फ्री इंट्रो। वहाँ पर जब टॉप फ्री इंट्रो लिखेंगे तो उस कर देना सर्च। जब आप सर्च कर देंगे तो वहाँ पर ढेर सारी वीडियोज आएंगे, तो उसमें से आपको एक वीडियोज डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद आपको कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ एडिट करके दिखा देता हूँ और आपको इंट्रो कैसे वीडियो में लगाना, इस वीडियो को देख करके आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पावर एडिटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसको खोल लीजिएगा। जब आप खोल लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ जो रेशियो दिया है इसको करना 16:9 पे। ओके पे कर देंगे क्लिक। जब आप ओके पे कर देंगे क्लिक, जो वीडियो आपका मतलब जो आप यूट्यूब से डाउनलोड किए हैं सिंपली उसको आप ढूंढ लीजिएगा। तो जब मतलब आप डाउनलोड कर लेंगे कुछ वीडियो, मतलब आपका जिस फाइल में जाएगा उसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद उस वीडियो पे दो बार टच कर दीजिएगा। अब दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबा रहेगा तो आपको एक इंट्रो लेना है। जो भी आपको इंट्रो लेना है उस पर सिंपली उसको चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो पे टच कर दीजिएगा एक बार और कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे ये इंट्रो। यहाँ पर कर्सर कर देंगे। कर्सर करने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पे मतलब वीडियो जो दिया है इस पर कर देंगे क्लिक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया है, एक पेंसिल का, एक हंसीए का, हंसी वाले चिन्ह पे कर देंगे क्लिक। तो बाएं साइड पे मतलब कुछ इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा वीडियो पे। जब आप बाएं वाले पे कर देंगे क्लिक तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट के ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक तो बाएँ वाला साइड डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों, दाएँ वाला साइड डिलीट करना है तो यहाँ पर यहाँ तक ले जाइएगा, मतलब इस वीडियो को खिसका कर इतना ले जाइएगा। इसके बाद अब दाएं साइड वाला डिलीट करना है तो इस वीडियो पे थोड़ा टच कर दीजिए। टच करने के बाद फिर चले जाइएगा हंसी वाले चिन्ह पे। जब हंसी वाले चिन्ह पे चले जाएंगे तो यह इस वीडियो पे एक बार टच कर दीजिएगा तो आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट के ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। अब दोस्तों, आता है अपने चैनल का नाम। तो अपने चैनल का नाम कैसे लिखें, यहाँ पर एक आयताकार बाक्स बना है बाएँ साइड, तो इस पर सिंपली कर देंगे क्लिक। ऊपर दिया टाइटल, टाइटल पर कर देंगे क्लिक। जब आप टाइटल पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें से एक आप साइपर लिंक चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं एक चूज कर ले रहा हूँ। चूज करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे है इस पर एक बार टच कर देंगे। टच करने के बाद फिर जो यहाँ पर वीडियो ऊपर है उस पर टच कर देंगे। दो बार टच करेंगे इस पर। टच करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पर ऊपर एक बार प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद इसको बैक कर दीजिए। अब जो आपका चैनल का नाम है उसको लिख दीजिए। जैसे मेरे चैनल का नाम रोहित स्टार, तो मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। अब बाएं साइड एक पेंसिल का आइकन बना, इस पर कर देंगे सिंपली क्लिक। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर बोल्ट दिया है, बोल्ट बी दिया है, बी वाले पे कर देंगे क्लिक। इससे दोस्तों होगा क्या कि आपका अक्षर मोटा हो जाएगा, तो सिंपली इस पर कर देते हैं क्लिक। देखिए, ये मोटा हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर कलर दिया, कलर आपको चूज करना, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको चूज कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो वीडियो है इसको थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जो भी जैसा आपका मन है। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, जो नीचे दिया है कर्सर, मतलब वीडियो के नीचे जो है दो कर्सर के निशान जैसे बना है, इसको ज़रा खींच देंगे।
अगर मान लीजिए अब नहीं जान पाते तो इस पर एक बार टच कर दीजिए, टच करने के बाद इसको कर्सर खींच दीजिए। अब दोस्तों इसको कर लीजिए सेव। तो सेव कैसे करना है, यहाँ पर एक दाएं साइड पे एक एरो का निशान है और आयताकार है, तो सिंपली इस पर कर देंगे क्लिक और दिए सेव प्रोजेक्ट, इस पर कर देंगे सेव प्रोजेक्ट, फिर दोबारा इस पर कर देंगे क्लिक प्रोड्यूस वीडियो, इस पर कर देंगे क्लिक। तो जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फेस खुल जाएगा, तो दिया सेव टू गैलरी आर एसडी कार्ड, इस पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर आपको फुल एसडी पे करना है, करने के बाद यहाँ पर दिया प्रोड्यूस, प्रोड्यूस पे कर देंगे क्लिक, तो ये हो जाएगा सेव आपका वीडियो। तो सिंपली ये दोस्तों जो डाउनलोड हो गया है, मतलब ये प्रोसेस हो गया पूरा, इस पर इसके बाद कर देंगे ओके। अब दोस्तों बात आप वीडियो में इंट्रो कैसे लगाएं इसको भी बता देते हैं। तो दोबारा आपको पावर एडिटर खोल लेना है, इस पर कर देंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद फिर कर देंगे ओके। ओके करने के बाद जो आप इंट्रो बनाए हैं पहले उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं पहले इंट्रो यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो म्यूजिक का ऑप्शन बना है, म्यूजिक क्या करके उस पर सिंपली कर देंगे क्लिक, क्लिक कर देंगे तो जो वीडियो आप शूट किए हैं उसको यहाँ पर दो बार टच कर दीजिए तो ये वीडियो यहाँ आ गया। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंट्रो यहाँ पर लग गया है, मतलब इंट्रो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, इसके बाद आपका वीडियो चालू हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंट्रो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर भाई ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए।